सिद्धार्थनगर के डेबरा थाना बस्ती रेंज के डीआईजी राकेश चंद्रा साहू थाने का मुआयना करने पहुंचे, जहां उनको राइफल में प्रयोग होने वाली 393 के कारतूस देखने को मिले, जो 25 साल पुराने हैं। डीआईजी साहब ने इतने पुराने कारतूस देखने के बाद खुद कबूल करते हुए कहा कि यह कारतूस धोखा दे सकते हैं, यानी कि राइफल में लोड तो किए जा सकते हैं मगर किसी भी अनहोनी पर साथ छोड़ सकते हैं। नेपाल बॉर्डर से लगे थाने के पुलिस क्षेत्र की सुरक्षा हाथ में राइफल तो 393 के लिए हुए हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर ही है। ये वार्षिक निरीक्षण मेरा चल रहा है और इस वार्षिक निरीक्षण के तहत मैं डेबरुआ थाने पर आज आया हुआ हूँ। आपने कहा कि 25 साल पुराने, किसी ने बताया कि 25 साल पुराने कारतूस हैं, कितने पुराने कारतूस यहाँ काम कर पाएंगे? हाँ नहीं, निश्चित रूप से जो पुराने कारतूस हैं वो समय पर धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ नए कारतूस आते हैं और उनसे हम इनकी बदली कर देते हैं। तो मैंने इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी नए कारतूस आए हुए हैं पुलिस लाइन में उसे इसको चेंज कर दिया जाए और जो वार्षिक फायरिंग होती है उसमें इसका यूज कर लिया जाए, ताकि थानों में नए कारतूस की आपूर्ति हो जाए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।